हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीआर एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे ज्ञानधारा पब्लिकेशन का। और आज इस क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14, वॉल्यूम 1 बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक का जो प्रैक्टिस सेट है उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 14 का पहला क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है। सही आंसर है 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में आरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 सीट। बात करें अगर अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है टोटल 84 सीट आरक्षित किया गया है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सही आंसर है 1991 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इससे जो है सोवियत संघ टूटकर 15 नए देश जो है बना था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब 6 नंबर जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो याद रखिएगा उसका आयतन जो है वह घटेगा। ठीक है, क्या होगा, उसका आयतन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ, देखिए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा एनके सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 82 के तहत जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 13 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर जो 14 दिया हुआ है, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर में कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। सही है, नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वह सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, लगभग 78%। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 16। और 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर जो 19 दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि ईरान की तेल राजधानी कहां है। ईरान की तेल राजधानी कहां है, तो याद रखिए आबादान जो है ये ईरान की तेल राजधानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सलमान रुश्दी। ठीक है, कौन है, सलमान रुश्दी है, डी हो जाएगा सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला प्रश्न 23 नंबर, सही इसका आंसर डी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 24। और 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच के दूरी जो है वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। सही है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न नंबर 27 जो दिया हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है, वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 263, ठीक है, अनुच्छेद 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है, और सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1990 ईस्वी में सरकारी आयोग के सिफारिश पर। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 263 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, सही है पृष्ठाधारी, ठीक है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो याद रखिएगा यह सुहरावर्दी संप्रदाय से जो है बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 में है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो यह लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, 36 नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37, और 37 का सही आंसर हो जाएगा डी। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 39 देख लेंगे, इसमें कह रहा है कि शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं सही है वो अवसादी शैल है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर जो 40 दिया हुआ यहाँ पे 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 41 में है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 42 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न 43 नंबर जो दिया हुआ है इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया, सही है दुबई में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 46 नंबर, 46 का सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कला को केलोग्राफी कहते हैं, तो सही है सुंदर लेखन जो है यह केलोग्राफी कहलाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 48 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर जो 49 दिया हुआ है फ्रेंड्स इसका 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न नंबर यहां पे हो जाएगा देखिए 50, और इसमें कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड पावर माइनस वन है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, तो इसका निकल के आएगा 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 51 का सही आंसर हो जाएगा सी। 52 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53, और 53 नंबर क्वेश्चन है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है,
सही है कंकाल रासायनिक समीकरण, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है पूर्वोत्तर परिषद के पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 55 नंबर, और 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 56 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी। उसके बाद 57 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा यह कटिहार जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? तो 2005 ईस्वी में जो है सच्चर समिति का गठन किया गया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। 59 का सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि CH3CONH2 उदाहरण है एक क्या? सही है एमाइड का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा डी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर जो 63 दिया हुआ है, देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया? तो 1781 ईस्वी में जो है स्थापना किया गया था, बी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत में दशमलव प्रणाली कब से शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1957 से जो है दशमलव प्रणाली शुरुआत इसकी जो है हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 65 दिया हुआ है, 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 66 नंबर, और 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 67 का हो जाएगा बी। 68 में है निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो अभ्रक जो है यह एक धात्विक खनिज नहीं है फ्रांस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70 देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? सही है नाइट्रेट की अधिकता के वजह से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल रूप में विहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप में विहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा बौद्ध मठ जो है विहार शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72, और 72 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो याद रखिएगा यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 74 नंबर, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 75 नंबर, और 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर में कह रहा है कि मिश्र धातु किसी धातु का अन्य धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है? तो वह है स्टील, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 में पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इसका संबंध है यूएसए यानी कि अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर जो 81 दिया हुआ है, देखिए 81 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, और 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 84 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है? तो इसमें से देखिए ये सेल्सियस पैमाना जो है यह तापमापी नहीं है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर दिया हुआ है इसमें कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था?
तो इसका सही आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो यह हर्षवर्धन के समय में जो है यह चीनी यात्री भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 86 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो सही है इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, द्रव गैस में परीक्षिप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है। तो याद रखिएगा यह कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 89 नंबर, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलियन है किसका। तो याद रखिएगा यह सोडियम थायोसल्फेट का जो है विलियन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब अगला प्रश्न है 92 नंबर में दिया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। सही है ताराबाई के पास। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 93, और 93 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 में कह रहा है कि जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का क्या आशय है। तो जिला प्रशासन का आशय यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और सी हो जाएगा। जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, और सी में है जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर जो 97 दिया हुआ है कह रहा है इसमें भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो यह लागू हुआ था 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा यह नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 100 में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। तो याद रखें वह प्रोटीन है साइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए 102 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ जो 102 दिया हुआ है, 102 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर में। प्रश्न नंबर जो 103 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 5×10^14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के एक मोल फोटोन की ऊर्जा निम्न में से कौन सी है। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है। तो वह है भवानी देवी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 105 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 108 का हो जाएगा बी। 109 नंबर में कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की। सही है नगालापुरम, ऑप्शन नंबर डी होगा। 110 में कह रहा है भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो वह थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम भारत के सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 111 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी। 112 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, हो जाएगा हेलाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 114 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 115 में है किसकी कमी के कारण अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है, किसकी कमी के कारण अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। सही है वी एस रमा देवी जो है यह देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 117 जो दिया हुआ सही है इसका ऑप्शन नंबर बी। 118 में कह रहा है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है।
सही है, जेरपथैलमिया ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 119 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न 120 नंबर, और इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है, तो यह वस्तु मूल्य पर आधारित एक कर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 123 नंबर, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। 124 में कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है, तो इसका संबंध है प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 126 का होगा बी, 127 में सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो यह करता है संसद, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो यह सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है इसका स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 129 का सही आंसर जो दिया हुआ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। 130 में कह रहा है कि निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है, तो इसमें अंडवाहिनियां जो है यह नर जनन तंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 132 का हो जाएगा सी, 132 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 133 नंबर में दिया हुआ है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, तो ये उत्पादक वर्ग में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई, 1887 ईस्वी में हुई थी, सी हो जाएगा राइट आंसर। 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 136 में कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है केरल में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 137 का हो जाएगा डी। 138 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह हृदय से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 141 में पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ की जो है मध्य में स्थित है पालघाट, वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये सब बिहार की महानदी जो है, महानंदा नदी जो है इसी की सहायक नदियां हैं, बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट, आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यह 21 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 145 में है, निम्नलिखित समूह में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यह कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, सी इसका राइट आंसर होगा। 146 में कह रहा है भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगारू एवं खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, तो वह हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया, तो यह है रूस का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 149 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है, सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, बेसबॉल, स्क्वाश, क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो
तो ये किया है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 14 ग्यारहवीं नुजिया अकेडमी पटना के द्वारा जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है। तो इसमें हम लोग टोटल 150 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि इसका जो इस सेट का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को किस लेवल का क्वेश्चन लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।